हेलो एंड वेलकम टू 3TPS दिल से। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, बस उसी का तैयारी चल रहा है यहाँ फुटबॉल ग्राउंड में। अभी रात में वीडियो बना रहे हैं ताकि पता चले कि कैसा अरेंजमेंट हुआ है, तैयारी हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि तैयारी चल रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बारिश हो रही थी और कुछ कुछ बारिश लगातार हो ही रही है। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि गाड़ी सज गया है और आगे स्टेज भी बन गया है, जो फिनिशिंग मोमेंट है वो सब किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सक रहे हैं कि पानी जमा हुआ है फील्ड में, चारों तरफ पानी जमा हुआ है फील्ड में, बहुत सारा पानी जम गया है, जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। डेकोरेशन में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है उसके वजह से। और अभी ये रात का वीडियो है, कल का वीडियो के साथ इस वीडियो को ज्वाइन कर देंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि जो 15 अगस्त का यानी इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है वो कैसे हो रहा है। और ये जो था आज का तैयारी था, बाद बाकी हम लोग कल मिलेंगे कल के वीडियो के साथ और कल का सेलिब्रेशन के साथ। आज का तैयारी में बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो के साथ इसी वीडियो में ज्वाइन करके। बोलो कुछ खाएंगे हम रहे हैं।
आजादी मना रहे हैं तो हमारी सीमा पर भी अपना हौसला बुलंद किए हुए हमारे सैनिक तत्पर है और ये इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आंख बंद करेंगे लेबर को खोलना जोड़ना और खड़े करना ये बहुत बड़ी बात है। ये सारे कार्य हमारे हमारे जवान के हमें शासक पर अभी प्रदर्शन करेंगे किस प्रकार देखे आंख बंद करके भी और अनुमति लेने के साथ ही साथ जवाब तैयार है और ये देखिए आंखों में काली पट्टी बांधते हुए मुजाहरा करते हुए ये देखिए हथियारों को बिना देखे खोलते हुए पूरा तालियां बजनी चाहिए। बात है और ये है हमारे पृथ्वी राज की याद दिलाती है जिन्होंने थोड़ी बात थोड़ी कुछ करी बिना देखे दुश्मन का संहार किया था और वैसे ही हमारे जवान हम देखिए वीरों को वीर कर चुके हैं और फायर के लिए तैयारी कर चुके हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो फायर करते हैं दुश्मनों पर किस तरह से अधिक निशाना साधते हैं बिना देखे। बहुत ही स्वतंत्रता दिवस का ये विशेष और खास करके जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयारी और या रूप दिया उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी